सुप्रभात सभी बच्चों को। एक बार फिर से आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देखो बच्चों, अपन जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे, टॉपिक का नाम था परिवहन। क्या नाम था? परिवहन। ठीक है, परिवहन में अपन पढ़ रहे थे सर्वप्रथम सड़क परिवहन। कौन सा? सड़क परिवहन पढ़ रहे, सॉरी इससे पहले खनिज चल रहे थे, सॉरी हाँ खनिज चल रहे थे और वो हो चुके हैं आपके कंप्लीट। ठीक है, आज अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा, उसका नाम है परिवहन। ठीक है, और परिवहन के बारे में आप समझ दोगे शायद। परिवहन की अगर शाब्दिक डेफिनेशन की बात करूं मैं, तो परि प्लस वहन, इसका क्या मतलब होता है? यानी कि किसी भी वस्तु को या किसी जीव को चारों तरफ जब घुमाया जाता है, ठीक है ना, तो जिन साधनों के द्वारा उसको घुमाया जाता है, ठीक, उसको यानी कि जो घुमाया जाता है उसको तो परिवहन कहते हैं, और जिन साधनों के द्वारा घुमाया जाता है उसको परिवहन के साधन कहते हैं। क्लियर, बात सुने बेटा। अब परिवहन के लिए वैश्विक स्तर पर मानव जाति ने जो व्यवस्था अपनाई है, ठीक है ना, वो इस प्रकार से, जैसे कि परिवहन के लिए हमने सड़क बना ली, उसको बोल देते हैं अपन सड़क परिवहन। क्या बोल देते हैं? रेल, यानी कि रेल लोहपतगामिनी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर रेल के द्वारा हमको परिवहन करना है तो हमने रेलवे लाइन बिछा दी, वो रेल परिवहन के अंतर्गत आता है। बाई एयर भी परिवहन करते हैं अपन, वो वायु परिवहन के अंतर्गत आता है। और जल के थ्रू, ठीक है ना, यानी जल के ऊपर जलयान चलाकर भी अपन परिवहन करते हैं, उसको जल परिवहन कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन मित्रों, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि भारत में सबसे ज्यादा जो परिवहन होता है वो सड़कों के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? सड़कों के माध्यम से, ठीक है। और जो सड़क परिवहन है वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, ये ध्यान रखना। हाँ, ठीक है ना, सड़क परिवहन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। जिस देश में जितनी अच्छी क्वालिटी की सड़कें होंगी, ठीक है ना, उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ही सुदृढ़ होगी। अब इसका कारण, इसका सेंस ये है कि जैसा कि मैंने बताया आपको कि प्रत्येक देश में सड़कों के द्वारा परिवहन ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। अगर हमारे यहाँ सड़कें अच्छी हों तो सीधी सी बात है कि परिवहन में समय कम लगेगा, फ्यूल कंजप्शन कम होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चीजें एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत जल्दी से जा पाएंगी, और खासकर ऐसी चीजें जो बहुत जल्दी खराब होती हैं, ठीक है ना, उनको तो बहुत जल्दी दूसरे स्थान पर या जहां पर उनको यूज किया जाएगा वहां पहुंचाने की आवश्यकता होती है। तो सड़कें जितनी अच्छी होती हैं किसी भी देश की, उसका परिवहन भी उतना ही सुदृढ़ होता है, और परिवहन जितना सुदृढ़ होगा किसी भी देश का, उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ही अच्छी होगी। इसीलिए मित्रों, भारत की सरकारों ने भी लगातार सड़क परिवहन के विकास पर ध्यान दिया, ठीक है। पहले आपको पता है, जब अपन आजाद हुए तो अपना जो सड़क तंत्र था वो ज्यादा सुदृढ़ और अच्छा नहीं था, लेकिन बाद में हमने इसमें उन्नति की, इसके विकास की तरफ बढ़े, और समय समय पर हमने सड़क नीतियां बनाई, समझ में आ गई बात, सड़क नीतियां बनाई, पॉलिसी बनाई, और उन पॉलिसियों के द्वारा फिर पूरे भारत में सड़कों का एक जाल बिछा दिया, ठीक है। आपको पता होगा एक नागपुर योजना है, नागपुर सड़क योजना, वो बनाई थी हमने सबसे पहले, ठीक है ना। उसके बाद परिवहन बोर्ड का गठन किया गया। तो ये सारी चीजें क्यों हुई? ये इसीलिए हुई थी क्योंकि हमें सड़कों का क्या करना था? विकास करना था। और आज अगर हम भारत में देखते हैं तो भारत में भी वैश्विक स्तर की सड़कें उपलब्ध हैं, ठीक है। मतलब ये है बेटा, ट्रैफिक लेस सड़कें हैं अपने यहाँ, ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, ठीक है। दूसरा, पहले आपको पता है सड़कों पर ये जो टोल लगे हुए थे, होते थे, वहां पर मानव द्वारा ही टोल काटा जाता था कैश लेके। अब वहां पर भी क्या है?
फास्टैग यानी कि नवीन तकनीक ईजाद कर दी है, गाड़ी जाएगी सीधी टोल पर, वहाँ से फास्टैग जो आपके शीशे पर लगा हुआ गाड़ी के पर, उसको वो कैमरा स्कैन कर लेगा और जितने का टोल है आपके अकाउंट में से उतना पैसा कट जाएगा और सीधी गाड़ी निकल जाएगी। बहुत कम समय लगता है, एक दो सेकंड की पूरी प्रोसेस होती है। जबकि अगर आदमी अगर इस काम को करे टोल पर बैठा हुआ तो कम से कम ज्यादा पर और जो हो गया दो चार मिनट में खा जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़े। देखें, इसी की ओर अग्रसर होते हुए सन 2000 में एक सड़क परियोजना पर कार्य किया गया। और उस सड़क परियोजना क्या थी वो सुन लो। दो कॉरिडोर स्थापित किए गए, एक तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जिसको अपन उत्तर दक्षिण गलियारा बोलते हैं, और एक था वेस्टर्न ईस्टर्न कॉरिडोर यानी कि पश्चिम पूर्व गलियारा, ठीक है। दो कॉरिडोर की योजना बनाई गई और एक था आपका स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना का उद्देश्य था इंडिया की जो चार मेगा सिटी हैं उनको आपस में जोड़ना। यानी कि मेगा सिटी कौन कौन सी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और कोलकाता से फिर मुंबई, वो सॉरी फिर दिल्ली, क्लियर। वो आपकी स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना है, ठीक। देखिए, हमारे पास पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि वन वे सड़कें थी, उसके बाद नेशनल हाईवे बने। क्या बने? नेशनल हाईवे, जिसको अपन राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं, ठीक। नेशनल हाईवे से भी पार नहीं पड़ी तो फिर हमने एक्सप्रेस वे बनाना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? एक्सप्रेस वे बनाना शुरू कर दिया। और एक्सप्रेस वे का मतलब होता है ऐसा रोड जिसमें या तो 6 लाइन होंगी या फिर 8 लाइन होंगी, समझ में आ गई बात, वो एक्सप्रेस वे कहलाता है। और जो नेशनल हाईवे होता है उसमें 4 लाइन होती है। कितनी होती है? 4 लाइन, 2 आने की 2 जाने की, बीच में डिवाइडर। जबकि एक्सप्रेस वे पे 3 लाइन इधर को 3 लाइन इधर को या फिर 4 लाइन इधर को 4 लाइन इधर को, बीच में डिवाइडर। ये क्यों किया गया पता है? ये ट्रैफिक की समस्या से निजात पाने के लिए किया गया, बस ये ध्यान रखना। जैसे यमुना एक्सप्रेस वे, ठीक है, जैसे अपना ये क्या नाम है, दिल्ली से मुंबई की तरफ जो एक्सप्रेस वे जा रहा है, अपने यहाँ होकर ही जा रहा है, अपन जैसे यहाँ नगर से अलवर की तरफ जाएंगे ना तो बड़ौदा मेप पड़ता, बड़ौदा मेप पर होकर सीधा जा रहा है, ठीक है। तो सरकार जो है बेटा वो सड़क परिवहन को और ज़्यादा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। और हमारे जो वर्तमान सड़क या परिवहन जो मंत्री हैं, क्या नाम है पता है क्या? नितिन गडकरी साहब। नितिन गडकरी बहुत ही माइंडेड व्यक्ति हैं और इंटरेस्टेड व्यक्ति हैं इस चीज़ के लिए। तो वो बहुत आसानी से सड़कें बना रहे हैं। पहले हमारा सड़क बनाने का जो औसत था वो बहुत कम था, लेकिन आज अगर बात करें तो 37 से 38 किलोमीटर प्रति दिन सड़कें बन रही हैं भारत में। हाँ जी, 37 से 38 किलोमीटर प्रतिदिन, हाँ जी, ये एवरेज है, ठीक है। दूसरा भारत में, अमेरिका में बेटा, अमेरिका में सबसे बड़ा सड़क तंत्र है, उसके बाद दूसरा नंबर भारत का आता है, ठीक है। तो क्लियर, आज अपन इसी पे चर्चा करेंगे बेटा, जो मोस्ट चीजें वो इसमें अपन पढ़ेंगे। तो देखें, लेट्स स्टार्ट। भारत का परिवहन, भारत का परिवहन, देखें इसकी डेफिनेशन कि किसी व्यक्ति या वस्तु को फिजिकली रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है, ठीक है। अब ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है बेटा कि परिवहन कितने प्रकार का होता है। तो मूल रूप से परिवहन 3 प्रकार का होता है, ठीक। पहला स्थल परिवहन, कौन सा है? दूसरा जल परिवहन, और तीसरा वायु परिवहन, ठीक है। स्थल परिवहन जो है उसको अपन 2 भागों में बांट सकते हैं आसानी से, ठीक है, क्योंकि स्थल पर अपन सड़क भी बना लेते हैं और रेल की पटरी भी बिछा लेते हैं, ठीक है। तो स्थल परिवहन में 2 प्रकार का परिवहन आएगा, एक तो सड़क परिवहन और एक रेल परिवहन, ठीक। उसके बाद जल परिवहन है और वायु परिवहन है ये। अब नीचे ये आंकड़ा लिख रहा है कि कितना परसेंटेज परिवहन कौन से माध्यम से किया जाता है, ठीक है। तो देखें, सड़क परिवहन के द्वारा कितना, भारत का 83% जो ट्रांसपोर्ट है वो सड़कों से होता है। किससे होता है? क्लियर। 9% जो ट्रांसपोर्ट है वो होता है रेल से। किससे?
और मात्र 2% जो ट्रांसपोर्ट है वो होता है जल से, और 6% जो ट्रांसपोर्ट है वो होता है वायु से। ये आंकड़ा आपको याद रखना है, ठीक है, कि कौन से माध्यम से कितना ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्लियर? सड़क से 83, रेल से 9, जल से 2 और वायु से 6। देख लो टोटल 100% हो गया होगा। 83 और 9 बिन में और तो 94 और 6। क्लियर? एक तो ये आंकड़ा आपको याद रखना है। उसके बाद सड़क परिवहन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सड़क परिवहन को पढ़ेंगे, फिर रेल परिवहन को पढ़ेंगे, जल परिवहन को पढ़ेंगे और वायु परिवहन को पढ़ेंगे। समझ में आई बात? ठीक। देखें, सड़क परिवहन भारत में वस्तुओं का सबसे ज्यादा परिवहन सड़क मार्ग के द्वारा होता है। 83% हो रहा था, ठीक है। भारत में अमेरिका के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। तो दूसरा सबसे बड़ा सड़क तंत्र या सड़क नेटवर्क भारत में है और विश्व में पहले स्थान पर अमेरिका है, ठीक है। क्लियर? उसके बाद देखें नागपुर योजना। भारत में सड़कों का विकास करने के लिए सर्वप्रथम जो योजना बनाई गई उसको बोलते हैं नागपुर योजना, ठीक है। इसी में प्लानिंग की गई थी कि किस प्रकार से हमको सड़कें बनानी है या आगे हमको सड़कों का विकास कैसे करना है। क्लियर? अभी तक हम कैसे हैं? परतंत्र, स्वतंत्र थोड़ी ना है। अभी तक तो परतंत्र थे अपन 1943 तक, तो ठीक है ना। तो ये तो ऐसा कह सकते हैं अपन कि सब अंग्रेजों ने ही प्रयास किया है। किसने किया है? अंग्रेजों ने ही प्रयास किया है नागपुर योजना बना के 1943 में, ठीक है। देखे बेटा, इसका उद्देश्य क्या था नागपुर योजना का? भारत में सड़कों का निर्माण एवं रख रखाव, निर्माण करना है और निर्माण के साथ मेंटेनेंस पर भी ध्यान देना है, ठीक है ना। उसके बाद बात करें कि नागपुर योजना के तहत भारत की सड़कों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4। ये ध्यान रखना, नागपुर योजना में एक्सप्रेस वे का आपको वो नहीं मिलेगा उल्लेख, क्योंकि नागपुर योजना जब बनी थी उस समय एक्सप्रेस वे की कोई थीम या थ्योरी हमारे सामने थी नहीं, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, नागपुर योजना के तहत भारत की सड़कों को 4 भागों में बांटा गया। नंबर 1, इंग्लिश में बोल देंगे इनको नेशनल। क्लियर? दूसरा है राज्य राजमार्ग यानी कि स्टेट हाईवे। तीसरा जिला सड़कें, और चौथा है ग्रामीण सड़कें। अब एक चीज ध्यान रखियो, आपसे अगर ये पूछा जाए ना कि भारत में सबसे ज्यादा सड़कें कौन सी हैं, ये परसेंटेज लिख रहा है आपके सामने, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देख लो, सर्वाधिक सड़कें कौन सी हैं भारत में? ग्रामीण सड़कें। कौन सी हैं? 70% सड़कें ग्रामीण सड़कें हैं अपने यहां, ठीक है। ये अपने आप में क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूं। कहूँ ऐसा मत कर दियो साहब राष्ट्रीय राजमार्ग ज्यादा है, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे ज्यादा नहीं है ना, स्टेट हाईवे ज्यादा ना, जिला सड़कें ज्यादा हैं, ग्रामीण सड़कें ज्यादा हैं। गांव ग्रामीण मैं बता रहा हूं, एक मिनट सुन लो, पहले तो आप ये सुन लो कि ग्रामीण सड़कें सर्वाधिक हैं, ठीक है। नेशनल हाईवे कितने प्रतिशत है? बस हाँ, भारत की टोटल सड़कों का 1.9% नेशनल हाईवे है। दूसरा, अगर स्टेट हाईवे की बात करें तो 2.9% मात्र। उसके बाद जिला सड़कें कितनी है, ठीक है। अब सुन लो ये कैसे कैसे क्या क्या होती हैं सड़कें। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, ठीक है, ये राज्य की राजधानियों को देश की राजधानी से जोड़ने का काम करती है। समझ में आ गई बात? हाँ जी, जैसे जयपुर को दिल्ली से कौन सा राजमार्ग जोड़ेगा? नेशनल हाईवे, ठीक है। दूसरा, इसमें एक चीज और है वो भी सुन लो, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो एक देश की राजधानी को दूसरे देश की राजधानी से भी जोड़ सकता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग अगर आवागमन का जरिया है, इट मीन्स अगर स्थलखंड है, दूसरा कोई पड़ोसी देश हमारे साथ ही जुड़ा हुआ है स्थलखंड के द्वारा, तो वहां पर अपन राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा जा सकते हैं। जैसे कि नेपाल, जैसे कि
नेपाल, नेपाल को भारत से कौन जोड़े, कौन जोड़ता है, नेशनल हाईवे जोड़ता है। भूटान कौन जोड़ता है, नेशनल हाईवे जोड़ता है। बांग्लादेश को नेशनल हाईवे जोड़ता है। पाकिस्तान को नेशनल हाईवे जोड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, अरे सबसे पहली सड़क ही भाई साहब भारत में वही बनी थी। सबसे पहली सड़क का नाम है भारत की का जीटी रोड, ग्रांट रोड, जो कि शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। और जो ग्रांट रोड था वो बांग्लादेश से स्टार्ट होता था, कोलकाता दिल्ली होते हुए, अमृतसर होते हुए लाहौर के पाकिस्तान, पाकिस्तान के लाहौर तक जाता था। समझ में आ गई बात? आज भी वो रोड है। अब बात अलग ये है कि सब उस रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग में तब्दील कर दिया गया है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो यहां ये याद रखना है कि राज्य की राजधानी को केंद्र की राजधानी से कौन सा रोड जोड़ता है, तो राष्ट्रीय, या दो देशों की राजधानियों को कौन सा रोड जोड़ेगा। क्लियर? ठीक है, अब बात आ जाती है राज्य राजमार्ग की, स्टेट हाईवे की। स्टेट हाईवे जो होते हैं वो दो राज्यों की राजधानियों को जोड़ने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? दो राज्यों की राजधानियों को जोड़ने का कार्य करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जिला मुख्यालयों को राज्य की राजधानी से भी जोड़ने का कार्य करते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, उसके बाद जिला सड़कें। जिला सड़कें जो हैं ये तहसील मुख्यालयों को जिला मुख्यालय से जोड़ने का कार्य करती हैं। तहसील मुख्यालय को जिला मुख्यालय से। क्लियर? जैसे मान लीजिए नगर है या कामा है या कुम्हेर है, इनको अगर डीग जिला मुख्यालय से कोई सड़क जोड़ेगी तो उसका नाम होगा जिला सड़क। वो बात अलग है कि स्टेट हाईवे जोड़ रहा है, ये स्टेट हाईवे ध्यान रखना। डीग से भरतपुर वाला है, डीग से नगर वाला है, डीग से कामा वाला है, स्टेट हाईवे हो चुके हैं ये। ठीक है, लेकिन जिला सड़कें किसको जोड़ेंगे, अगर ये क्वेश्चन आता है तो सीधा सा जवाब देना है कि बेटा तहसील मुख्यालय को जिला मुख्यालय से जोड़ता है। ठीक है, अब आ जाते हैं ग्रामीण सड़कों पर। ग्रामीण सड़कें एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ेंगी, पहली बात। दूसरी बात, ये गांव को तहसील मुख्यालय से भी जोड़ने का कार्य करती है। बात आ गई समझ में? आ गई ना? ठीक है, आगे चलो। एनएच यानी कि नेशनल हाईवे का निर्माण और रखरखाव कौन करता है, सुन लो। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण और उसके मेंटेनेंस का कार्य कौन करता है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं NHAI। क्या बोलते हैं? NHAI, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये नेशनल हाईवे के निर्माण और रखरखाव का कार्य करेगा। ठीक है, एक चीज और सुन लो यहीं। एक्सप्रेस हाईवे जो बने हैं उनके निर्माण और रखरखाव का कार्य भी NHAI ही करेगा। एक्सप्रेस इनको भी, इनका निर्माण और रखरखाव भी कौन करता है? NHAI करता है। ठीक है, उसके बाद स्टेट हाईवे की बात करें तो इनका निर्माण और रखरखाव का कार्य कौन है, तो देखें जाए SPWD, और इसको बोलते हैं PWD। इसको क्या बोल देते हैं अपन? PWD। हाँ जी, क्या? पब्लिक वर्क ऑफ डिपार्टमेंट, वेरी गुड। और इसमें मैंने SP इसलिए जोड़ा है, स्टेट पब्लिक वर्क ऑफ डिपार्टमेंट, सभी राज्यों में होता है। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं इसको राज्य लोक निर्माण विभाग। क्लियर, तो राज्य लोक निर्माण विभाग कौन से सड़कों का निर्माण करेगा, तो राज्य राजमार्ग यानी कि स्टेट हाईवे का। ठीक है, उसके बाद जिला सड़कों का, जिला परिषद और लोक निर्माण विभाग, जिला परिषद और लोक निर्माण विभाग, यानी कि PWD और जिला परिषद दोनों ही इनके निर्माण और रखरखाव का कार्य करेंगे। ठीक है, उसके बाद ग्रामीण सड़कों है, ग्रामीण सड़कों का निर्माण और रखरखाव करने की जिम्मेदारी है ग्राम पंचायत पर। किस पर है? क्लियर, चीजें समझ में आ गई? कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दो। क्या बता? हाँ वो भी आते हैं बेटा। हाँ जी, पक्की सड़क भी आती है, और हाँ CC वगैरह जो है वो भी आती है, सब इसी में आएंगे वो। हाँ जी,
हाँ वो ही चढ़ गए, ठीक है। क्या बोल रहे बता? नहीं, काम ही उसका है बेटा, काम ही उसका है। स्टेट गवर्नमेंट ही देती है बेटा, स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा आता है पंचायती राज विभाग में। स्टेट गवर्नमेंट नहीं, वो नहीं देगा ना, ना सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जब उस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग बनवाएगी तो वो अपने पैसे से बनवाएगी फिर, ठीक है ना। अगर स्टेट हाईवे बन रहे हैं तो फिर स्टेट गवर्नमेंट ही पैसा लगाएगी। और आजकल तो ये खत्म है, पीपीपी मॉडल चल रहा है, ध्यान रखना, पूरे इंडिया में पीपीपी मॉडल है, एक प्राइवेट मॉडल है, प्राइवेट कंपनियों को वो दे दिया जाता है ठेका कि भाई आप सड़क बनाओ, हम एक भी पैसा नहीं देंगे, सुन लो मेरी बात, यही है पीपीपी मॉडल। इसीलिए तो टोल लग रहे सड़कों पर, और क्या बीमारी है। हर स्टेट और हर देश का मतलब मैं इंडिया देश, इंडियन कंट्री की बात कर रहा हूं, अपना देश और अपने देश के प्रत्येक स्टेट सड़क बनाने के लिए प्राइवेट कंपनियों से समझौता करता है। सुन लो, समझ में आई बात, ठीक है। अब वो कंपनी आएंगी, सड़क बनाएंगी, और अब वो भाई जब सड़क बना रही है तो पैसा भी तो चाहिए, पैसा कहां से मिलेगा, तो गवर्नमेंट उसको कहेगी कि साहब आप टोल लगाओ, टोल से पैसा वसूल करो, और इसमें इस टोल में से इतना परसेंट हमारा और होगा। हाँ जी, क्यों नहीं है फायदा, क्या बात करते हो, फायदा है साहब, फायदा है। आपको पता है एक रूल है, कि 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर की परिधि में एक टोल होगा, जबकि आपको शायद नहीं पता होगा 60 किलोमीटर की परिधि में चार चार टोल लगे हुए हैं। आप भरतपुर से अलवर जाओगे ना, 1, 2, 3, 4, 5 टोल मिलेंगे, और हाँ, और भरतपुर से अगर आप खेड़ली मोड़ या डहरा मोड़ चले गए तो भी आपको 5 टोल मिलेंगे। ये क्वेश्चन अभी जो शीतकालीन सत्र हुआ है संसद का, उसमें परिवहन मंत्री जी से पूछा गया था, गडकरी साहब से, कि भाई ये क्या बात, ये तो एक अलग ही गलत वो है कि आप के उसमें लिखा है सीधा सीधा कि भाई 60 किलोमीटर के अंदर एक टोल रहेगा, और यहां हम देखते हैं कि 60 किलोमीटर के अंदर चार चार टोल है, तो ये तो आप जनता के साथ सीधा सीधा बेईमानी और धोखा हो रहा है। तो गडकरी साहब ने अभी कहा है कि ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है तो जितने भी ऐसे टोल हैं जो 60 किलोमीटर के अंदर में है उन सबको हटाया जाएगा, एक ही टोल रखा जाएगा, और होना भी चाहिए, समझ रहे हो। हाँ देखे बेटा आगे, ये अब कोई दिक्कत समझ में आ गया ना, तिलक वारे साहब आगो समझ पथोना पड़ रही ना, वो तेरी ना कही सर्दी लगे जन क्यों। देखे बेटा, भारत में सड़कों की कुल लंबाई, ये आंकड़ा ध्यान रखना, लेटेस्ट आंकड़ा है, भारत में सड़कों की कुल लंबाई है इस समय 63 लाख किलोमीटर। कितनी है? 63 लाख किलोमीटर, बिल्कुल नया आंकड़ा है परिवहन विभाग का, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। भारत में सर्वाधिक सड़क लंबाई वाला राज्य नंबर एक, और नंबर दो, नंबर तीन, सबसे ज्यादा सड़कें या सबसे लंबी सड़कें या सड़कों की लंबाई सर्वाधिक जिस राज्य में है उसका नाम है, और दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, क्लियर। आगे देखें, भारत में सबसे कम सड़क लंबाई वाला राज्य सिक्किम कौन सा है, ठीक है। अब देखें बेटा कि सड़कों के विकास के लिए समय समय पर जिन संस्थाओं का गठन किया गया, ठीक है ना,
वो आपके सामने, एक तो आपने नागपुर योजना देख ली 1943 में, ठीक है ना, नागपुर योजना की तो अपन ने बात कर ही ली। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं और जो संस्थाएं हैं, ठीक है, सड़क परिवहन से संबंधित उनकी, जैसे कि NHAI, अभी पढ़ा था ना, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका सीधा सीधा सा आपसे पूछा जाएगा कि साहब इसकी स्थापना कब हुई, ध्यान रखना है 1900 NHAI की स्थापना 1900। उसके बाद एक और आता है NHDP, क्या आता है, यानी कि नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कब स्थापना हुई, 1998, ठीक। अब भाई साहब इस NHDP के उद्देश्य देख लो आप, ठीक है, NHDP के उद्देश्य क्या थे, यानी कि हमने इसको क्यों स्थापित किया, इस संस्था को, ठीक है, क्या कार्य दिए इसे जो इसको करने थे, ठीक। पहला कार्य स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना का निर्माण, यानी कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन चारों को, इन चारों मेगा सिटियों को जोड़ने के लिए हमने कौन सी परियोजना बनाई, सन 2000 से इस पर कार्य शुरू हो गया था और 2012 में कंप्लीट भी हो चुकी है, 2012 में कंप्लीट, 2012 में ये कंप्लीट हो चुकी है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखें, दूसरा इसको क्या कार्य दिया NHDP को, तो दूसरा कार्य था पश्चिम से पूर्व गलियारे का निर्माण, यानी कि यहां से यहां तक, यानी कि भारत के पश्चिमी हिस्से को पूर्वी हिस्से से जोड़ना, ठीक। तीसरा कार्य था उत्तर दक्षिण गलियारे का निर्माण, यानी कि श्रीनगर को सीधा किससे जोड़ना, कन्याकुमारी, क्लियर। तो ये तीन प्रकार की जो परियोजनाएं थी, इनके निर्माण के लिए गठन किया गया NHDP का, समझ में आ गई बात। तो दो चीज, एक चीज तो ये याद रखनी है कि साहब NHAI की स्थापना कब, NHDP की स्थापना कब, नागपुर योजना कब बनी, 1943, क्लियर, ठीक। NHDP के उद्देश्य ये आपके सामने ही तीनों। एक और चीज सुन लो, एक और कार्य चल रहा है, भारतमाला कार्यक्रम, कौन सा, भारतमाला कार्यक्रम, ये कब से शुरू हुआ है और इसके तहत क्या होगा, इसका उद्देश्य है 34,800 किलोमीटर रोड बनाना, ठीक है, क्लियर। अब आगे चले, देखे बेटा, सबसे पहले अपन सड़कों में पढ़ेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। देश में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, कितने, ये 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, ये ध्यान रखना, अभी कोई लेटेस्ट डाटा अपडेट हुआ नहीं है, ठीक है, इसलिए अपन को 599 ही पढ़ने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है हमारे देश में, तो 1,32,500 किलोमीटर, और टोटल सड़कें कितनी है, 63 लाख किलोमीटर, अभी पढ़ा था ना, टोटल सड़कों की लंबाई कितनी भारत में, इनमें से मात्र 1,32,500 किलोमीटर ही राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, समझ में आ गई बात, 2% हो गया, 1.9% था बस, ठीक है। आगे, राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे कम लंबाई वाले राज्य, इसमें है गोवा, कौन सा है, गोवा,
ठीक है। उसके बाद पूर्वोत्तर राज्यों में एनएच की सर्वाधिक लंबाई वाले राज्य, पूर्वोत्तर यानी कि जो सेवन सिस्टर वाले 7 राज्य हैं उनकी बात कर रहे हैं अपन। तो इसमें देखते हैं सबसे पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज्यादा लंबाई एनएच की नेशनल हाईवे की वो है असम में, किसमें? दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे मणिपुर है। ठीक है, क्लियर? तो ये डाटा आपको याद रखने, ठीक। सिक्किम में सड़कों की लंबाई कम है, ठीक है, टोटल सड़कों की लंबाई कम है सिक्किम में, टोटल सड़कों की लंबाई कम है, ठीक है। एनएच की सबसे कम लंबाई गोवा में, ये बात कर रहे हैं अपन। टोटल सड़कें और एनएच दोनों में अंतर है। टोटल सड़कों में तो एनएच, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड और आपके जो रूरल रोड थे वो सारे चारों जुड़ गए, और यहां पर अपन सिर्फ बात कर रहे हैं नेशनल हाईवे की, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो इसमें। देखे बेटा, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ध्यान रखना, एनएच 44, ठीक है। और इस एनएच 44 का मतलब है उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। यह आपका श्रीनगर से स्टार्ट होगा और कहां तक? कन्याकुमारी तक, ठीक है। तो ध्यान रखना है, सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है भारत का वो है एनएच, क्लियर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसकी कुल लंबाई देख लेते हैं 3745 किलोमीटर, याद रखनी है, ध्यान रखना, कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। इसे उत्तर दक्षिण गलियारा भी कहा जाता है। यह 13 राज्यों से होकर गुजरता है, कितने राज्यों से? 13 राज्यों से। अब 13 राज्य कौन कौन से हैं वो सुन लो। नंबर एक जम्मू, ठीक है, उसके बाद है हरियाणा के बाद दिल्ली के बाद राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश के बाद मैं निकल को पैसा ना दिए देख गए। एक काम करियो सुन, तू डी गए भप्पल पे तो लिए यो भाई मैं पैसा हम्बे मैंने कही तो है भी नहीं गए ना भाई। अरे ना 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 भाई पे तू वहां पर ले जाइयो दे देखो मैंने शाम को कई बात कर लिया यार कर मैं चलो जाऊंगा साहब जब दे जाऊंगा मैं ठीक है मैं दे जाइयो या तो गए ना आया शायद हाँ ऐसे ही ऐसे ठीक है। हाँ जी मध्य प्रदेश तक आ गए ना, मध्य प्रदेश के बाद अरे रुक जाओ बहन जी महाराष्ट्र के बाद कितने हो गए गिनते चलो इन्हें कितने हो गए उसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक के बाद अब कितने हो गए हैं और है कितने टोटल 13।
एक रह गया, रुक जाओ मैं देखता हूँ। हिमाचल प्रदेश, एचपी। तो बेटा ये 13 राज्यों में होकर गुजर रहा है, कितने राज्यों में होकर? अब ऊपर से स्टार्ट कर दो आप। हाँ जी, क्या गलत बता रहा है? गलत, बंद कर दो इसको, बिल्कुल बंद कर दो बहन जी। दिल्ली ये रहा ना, दिल्ली में होकर गुजर रहा है, राजस्थान के धौलपुर जिले में होकर गुजरता है। पहले इसका नाम था NH3 जो धौलपुर में होकर जाता था, अब इसका नाम है NH44। हाँ जी ठीक है, ध्यान रखना जब भी आप राजस्थान का जीके पढ़ोगे, राजस्थान का परवेन, तो उसमें आपसे यह पूछा जाएगा कि राजस्थान का कौन सा जिला या राजस्थान के किस जिले में होकर उत्तर दक्षिण गलियारा निकलता है। तो आपका आंसर होना चाहिए धौलपुर। क्या होना चाहिए? समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर। तो ये तो हो गई 13 राज्य, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि अभी मैं इसको मिटाऊंगा तुरंत। जी नहीं, लाइव नहीं है। अब आगे देखें, प्रमुख प्रमुख जो सिटी है बेटा इस पर, वो और देख लेते हैं। प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? ठीक है, तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो श्रीनगर, स्टार्ट यहीं से हो रहा है, है ना? श्रीनगर, श्रीनगर के बाद है भाई साहब पठानकोट, कौन सा है, सॉरी जम्मू, और है जम्मू, जम्मू के बाद है पठानकोट, कौन सा है? पठानकोट। पठानकोट के बाद है यहां पर जालंधर। ये शहर है बेटा, प्रमुख शहर जो इस पर बसे हुए हैं। जालंधर के बाद, जालंधर के बाद चंडीगढ़, कौन सा है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बाद यहां दिल्ली या दिल्ली, दिल्ली के बाद है फरीदाबाद, फरीदाबाद के बाद है पलवल, पलवल के बाद आगरा, आगरा के बाद राजस्थान का एक ही जिला है धौलपुर, यह एक शहर है धौलपुर, और धौलपुर के बिल्कुल पीछे पीछे होकर गुजर रहा है, ध्यान रखना। हाँ जी, उसके बाद ग्वालियर आ गया, ठीक है, ग्वालियर के बाद झांसी, झांसी के बाद सागर, ठीक, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। ये नागपुर आ गया बेटा, कौन सा है? नागपुर, महाराष्ट्र, ठीक। उसके बाद हैदराबाद, हाँ जी हैदराबाद, हैदराबाद के बाद है यहां पर बेंगलुरु, ये करनाल नहीं, कुरनाल है, हाँ ये जो है ना ऊपर, ये कुरनाल है बेटा, करनाल नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आ गया आपका, क्या लिख रहा है ये, मदुरई, यस मदुरई, हाँ चेन्नई का मदुरई, वो चेन्नई का क्यों, तमिलनाडु का मदुरई। और उसके बाद ये नीचे है, ये यहाँ कन्या कुमारी। तो ये प्रमुख प्रमुख शहर जो हैं वो इस NH44 पर स्थित हैं। क्लियर, आगे बात समझ में? ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है, 3745 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। इसको दक्षिण पूर्वी, उत्तर दक्षिण गलियारा भी कहते हैं, और ये 13 राज्यों से होकर गुजरता है, और इस पर जो मुख्य शहर है वो आपके सामने स्थित है। क्लियर, ठीक है, अब आगे चलते हैं।
देखे बेटा राष्ट्रीय राजमार्ग 27, राष्ट्रीय राजमार्ग 27, इधर को पहले मैं इंडिया बना दिया, ठीक है। देखें बेटा राष्ट्रीय राजमार्ग 27, यह भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है, और इसकी कुल लंबाई है 3507 किलोमीटर और उसकी कितनी थी 3745, क्लियर। उसके बाद इसे पूर्व पश्चिम गलियारा भी, यह 7 राज्यों से होकर गुजरता है, कितने राज्य और वो कितने से गुजर रहा था, अब 7 कौन कौन से वो सुन लो आप, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और असम, ठीक है। देख लो अब इसको एक बार, यहां ये तो हो गया आपका गुजरात, ये इसका थोड़ा सा हिस्सा दक्षिण हिस्सा जो है वो राजस्थान का आता है ना, उसके बाद एमपी ना रहो पहले, एमपी, एमपी के बाद यूपी का हिस्सा आ गया, यूपी के बाद ये बिहार वाला क्षेत्र आ गया, बिहार के बाद ये आ गया आपका पश्चिमी बंगाल, और पश्चिमी बंगाल के बाद ये आ गया आपका असम, और ये मेघालय है, ये ना मेघालय का कोई इससे लेना देना नहीं है, क्लियर। तो बेटा ये वो 7 राज्य हैं जिनमें होकर आपका एनएच 27 गुजरता है, समझ में आ गई बात, ऐसे यहां तक है, वैसे ऐसे आ जाता घूम के, ठीक है। ये आपका एनएच 27 है, 7 राज्यों से होकर गुजर रहा है, गुजरात, राजस्थान, एमपी, बिहार, ये आपका वेस्ट बंगाल, और ये आपका असम, क्लियर। ये 7 राज्य हैं जिनसे होकर आपका एनएच 27 गुजरता है, इसका पुराना नाम बताऊं, एनएच 76, हाँ 76 था पहले, ये 44 का तीन था, इसका 76 है, दो सॉरी इसका 76 था, अब 27 है, ठीक है, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, नो ये सवाल मत पूछ, ये सवाल मत पूछ भाई, ठीक है। आगे सुन ले बेटा, एनएच 27 या ये जो पूर्व पश्चिम गलियारा है इसकी सर्वाधिक जो लंबाई है वो कहां है, गुजरात, गुजरात राज्य में, कहां पर है, क्लियर। अब आगे चलते हैं, देखिए बेटा राष्ट्रीय राजमार्ग 327B, राष्ट्रीय राजमार्ग 327B, ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ध्यान रखना, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, और ये पश्चिमी बंगाल में स्थित है, कहां पर स्थित है, देखें पहले कुल लंबाई, देखें इसकी कुल लंबाई है 1.2 किलोमीटर, कहां है, तो यह पश्चिमी बंगाल में पानी की टंकी से मेची पुल तक स्थित है, यह आपका पश्चिमी बंगाल है, यहां से लेके यहां तक यह है आपका 327B, ठीक है, यह है पानी की टंकी स्थान, और यह है आपका मेची का पुल, मेची
का कुल, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे 327B जो कि पश्चिमी बंगाल में स्थित है, स्थान पूछा जाए तो पानी की टंकी से मेची के पुल तक, क्लियर। आगे चलें, राष्ट्रीय राजमार्ग 366B, राष्ट्रीय राजमार्ग 366B यह भारत का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 8 किलोमीटर है, और कौन से राज्य में है, तो केरल में, कहां पर है, ठीक है, ये यहां पर स्थित है बेटा, केरल में, नाम है 366B। क्लियर, आगे चलें। नेक्स्ट बेटा प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग, अब इनको सुन लो आप, ठीक है, प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 1, यह आपका जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक है, कहां तक है, जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक, और अगर एग्जैक्ट प्लेस देखें तो जम्मू कश्मीर के बारामूला से लद्दाख की राजधानी लेह तक, यह ध्यान रखना, NH1, ठीक है, दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एक तो चूंकि ऐसे राज्य में जो सीमांत राज्य है, दूसरा इसका नंबर ही ऐसा है, नंबर 1, समझ में आ गई बात, तो इसलिए हाँ इसको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है वो बारामूला से लेह तक, बारामूला कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, और लेह कहाँ है, लद्दाख में, क्लियर, ठीक है। दूसरा आता है राष्ट्रीय राजमार्ग 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 2, ये डिब्रूगढ़ असम से तुंगपंग मिजोरम तक, कहां तक है, डिब्रूगढ़ असम से तुंगपंग मिजोरम तक, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका, सुन लो, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH2, और ये अक्सर कर ये पूछा जाता है क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों का NH है ये, ठीक है। तो ये डिब्रूगढ़ कहां पर है और तुंगपंग कहां है, ठीक है। बात करें तो ये असम वाला एरिया हो गया और ये मिजोरम, यहां से यहां तक ये NH है, NH2, क्लियर, ठीक है। पहले आगरा से दिल्ली के बीच में था NH2, ठीक है ना, अब यहां पहुंच गया ये, रहा ना, डिब्रूगढ़ असम से तुंगपंग मिजोरम तक, नंबर चेंज हुए, नाम नहीं नंबर, नहीं ऐसा नहीं है, हर 10 साल में चेंज नहीं हुआ, पता नहीं किसकी बुद्धि खराब हुई, मोदी की नाम है, गडकरी की हुई, मार्च 2019 में इनका नाम चेंज कर दिया, पता ही ना, यो ही ना पता हमें तो क्यों चेंज किया है, कंफ्यूजन तब होता जब आपको पुराने NH याद होते, वो हमारी हमारे दिमाग में खिचड़ी सी बन जाए इनकी, क्योंकि हमें वो पुराने याद हैं और पुरानों के साथ फिर ये नए और याद करने, कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ वो परिवहन मंत्रालय कर देता है, ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि हर साल ही चेंज कर बैठे को इनने, ऐसा नहीं है ना, कोई 10 साल 20 साल को कोई निश्चित कराइट बुना है, हाँ ऐसे ही मान लो, ठीक है। आगे चले, देखें बेटा राष्ट्रीय राजमार्ग 3, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 ये आपका अटारी पंजाब से लेह लद्दाख तक, ठीक है, अटारी पंजाब से लेह लद्दाख तक ये NH3 है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों पढ़ा रहा हूं मैं इनको, औरों को क्यों नहीं पढ़ेंगे, सबरेन थोड़ी पढ़ेंगे अपन, 599 में थोड़ी पढ़ने, महत्वपूर्ण पढ़ने, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बेटा ये सीमांत राज्यों में है, समझ में आ रही बात, इसलिए महत्वपूर्ण है ये।
तो ध्यान रखें अटारी पंजाब से ले तक है आपका NH3, ठीक है। उसके बाद देखें राष्ट्रीय राजमार्ग 4, और यहाँ पर तो मोस्ट और लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये एक केंद्र शासित प्रदेश, और वो भी कैसा, महासागरीय केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार में स्थित है, और इसकी लंबाई है 230। तो इसको ध्यान रखना, विशेषकर ध्यान रखना है इसका, राष्ट्रीय राजमार्ग 4 अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्लियर, ठीक है, है? हाँ बिल्कुल मैया, ऐसे आश्चर्य कर रही है बात में, तो अंडमान निकोबार में ऐसा ना है कि जो हमको छोटे छोटे से द्वीप दिखे गए वे बहुत छोटे हैं, ऐसा नहीं है, वो भी बहुत बड़े बड़े द्वीप है ना। जी है का अच्छा, कोई बात ना, अच्छी बात है बेटा, शादी के बाद आदमी के संग ही रहना पड़ता है, जानवर के संग कोई ना रहे, है? नहीं क्यों रहेंगे, अगर शादी जानवर के संग करा दी जाए तो जानवर के साथ रहोगे, अब शादी तो आदमी के संग ही होगी, तो आदमी के साथ ही रहेंगे ना। देखें आगे राष्ट्रीय राजमार्ग 7, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 ये आपका फजिलका पंजाब से उत्तराखंड तक, कहां तक है, फजिलका पंजाब से उत्तराखंड तक, ठीक है। ये पहले आपको बताऊं मैं, ये पहले था आपका गुड़गांव से मुंबई तक, नहीं मुंबई, हाँ वहीं तक था, ये पश्चिमी राजस्थान में होकर निकलता था, जिसको आज अपन NH11 कहते हैं ना, पश्चिमी राजस्थान में होकर पहले उसको जो NH11 है उसको NH7 कहते थे। अब तुम्हें ज्यादा ध्यान लगाने जरूरत ना, तुम्हें तो यही आंकड़े याद रखने, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 ये फजिलका पंजाब से लेके कहां तक है, उत्तराखंड तक, ठीक। देखे बेटा इस पर देहरादून, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और बद्रीनाथ स्थित है, इंपॉर्टेंट हो गया ना अपने आप में, क्योंकि कई सारे तीर्थ स्थल जो हैं भारत के वो इस हाईवे पर स्थित हैं, इसीलिए ध्यान रखना NH7 फजिलका पंजाब से उत्तराखंड तक, इस पर जो सिटी या शहर या धार्मिक स्थल जो स्थित हैं उनमें देहरादून जो कि राजधानी है उत्तराखंड की, उसके बाद ऋषिकेश ये हिंदू धर्म का एक पवित्र स्थान है, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ, ठीक है। आगे चलें, राष्ट्रीय राजमार्ग 11, राष्ट्रीय राजमार्ग 11 ये आपका देखो हरियाणा से, हरियाणा को राजस्थान से जोड़ता है, ठीक है, यह थार के मरुस्थल से होकर गुजरता है, ये ध्यान रखना, यह पूछा जा सकता है कि थार के मरुस्थल में कौन सा नेशनल हाईवे जाता है, थार के मरुस्थल में होकर आपका उत्तर होगा NH11, पहले इसका नाम NH7 था, ध्यान रखना, सॉरी NH7 नहीं होगा, NH15 था, 7 नहीं था, सॉरी NH15, ठीक है। आगे देखें, इनके बारे में अपन कल बात करेंगे, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे और गर्म रहे।